Hey, Assalamualaikum. Hope you guys are doing good. Alhamdulillah, मैं भी हम पर्टिकुलर सुन दोस्तों एक जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि विंड गार्डन अब हैदराबाद में आने वाला है या इसका कॉन्सेप्ट को डेवलप भी करने वाले हैं और इसके लिए एक बेस्ट लोकेशन को देखा जा रहा था। अब तक जितने भी HMDA डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे थे अब ये पता चला है कि संजीविया पार्क जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें ये गार्डन को बनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छी खबर भी है दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं कि विंड गार्डन की स्पेशलिटी होती क्या है। आखिर देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि विंड गार्डन का मेन कॉन्सेप्ट जो था ये मैड्रिड में था। एक्चुअली जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज वगैरह कैसे तेज़ी से बदल रहा है, सर्दी के मौसम में गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में सर्दी हो रही है और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जा रहा है। एक फिक्स्ड जिस पर टेम्परेचर होता था वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग किस्म के अजीब किस्म के आप कह सकते हैं वेदर चेंज है। ये अजीब किस्म के वेदर चेंजेस क्लाइमेट चेंज कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो इसीलिए ये झाड़ वगैरह लगाना, ये प्लांटेशंस करना, क्योंकि क्लाइमेट को प्रिजर्व करना ही ह्यूमन की जिम्मेदारी है। उसे कोशिश भी किया जा रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर काम भी किया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें एक बेहतरीन काम मैड्रिड ने भी अंजाम दिया था दोस्तों, जिसे विंड गार्डन्स का काम इन्होंने किया था। इससे होता क्या है, विंड गार्डन ये एक फॉरेस्ट टाइप गार्डन होता है दोस्तों। अब इसमें ख़ास किस्म के प्लांट्स को लगाया जाता है और वहाँ पर भी स्पेस वगैरह एक अच्छी चुनी गई है, जिसमें कि ये गार्डन्स की वजह से, मैड्रिड की मैं बात कर रहा हूँ, ये गार्डन्स की वजह से एयर पोल्यूशन वहाँ पर कम हो जाए और एक क्लाइमेट में एक शांति आए और एक अच्छी तरीके से क्लाइमेट चलता रहे, खुशगवार क्लाइमेट भी आप कह सकते हैं। तो मैड्रिड में तो ये स्टार्ट हो गया है। अब वहाँ पर स्पेशल फॉरेस्ट की जगहों पर चुना जा रहा है या सिटी स्कर्ट्स में भी, सिटी आउटस्कर्ट्स वगैरह वहाँ पर भी वैसे ही किया जा रहा है, जिसमें कि आपको सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स करना पड़ेगा और इस के लिए उन्होंने फर्न प्लांट को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फर्न प्लांट को चुना है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ फर्न और मॉस प्लांट्स को, ये दो प्लांट्स खास तरीके से इन्होंने लिए हैं। ये प्लांट्स ज़्यादातर आपको कच्ची जगह पर मिलते हैं दोस्तों, यानी कि वेट एरिया जो होता है वहाँ पर इस ये प्लांट्स पाए जाते हैं, जो आपको टेम्परेचर एक अच्छा रखने में, ठंडा रखने में मदद करते हैं। पहाड़ी इलाके के जो मतलब जो नीचे आप छोटे छोटे लेक्स देखते हैं उस जगहों पे ये प्लांट्स, जैसे कि ज़्यादातर फर्न प्लांट्स है, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और पहाड़ पर भी आपको थोड़े थोड़े जो ग्रीन पैचेस दिखते हैं, देखिए दोस्तों वहाँ पे छोटे छोटे जो झाड़ होते हैं मॉस प्लांट्स उसे कहते हैं, वो भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये दो प्लांट्स आपको टेम्परेचर रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और तकरीबन ये भी देखा गया है, ये भी बताया जा रहा है रिसर्च के हिसाब से कि फोर डिग्री सेल्सियस आपका कम होने के चांसेस है टू द एटमॉस्फेयर। अगर आपका मौसम बहुत हॉट हो तो उस हिसाब से आपका कम करेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मैड्रिड में 33 डिग्री सेल्सियस से चल रहा था, मगर कुछ दिनों पहले रिसेंटली, शायद अगस्त की बात मैं बता रहा हूँ, कि 40 डिग्रीज वगैरह देखा गया था। तो इसी वजह से मैड्रिड वालों ने ये गार्डन को डेवलप करने का प्लान किया है दोस्तों। दोस्तों सिर्फ मैड्रिड में ही नहीं, बैंकॉक ने 11 ऐसे पार्क्स को ओपन करने की बात की है जो वो डेवलप करने वाले हैं जल्दी ही। एथेंस में भी इसका प्लान किया जा रहा है, मगर हैदराबाद में इस तरीके का ब्यूटीफुल डेवलपमेंट देखने का हमको मौका मिला है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जल्दी ही HMDA वालों को कांटेक्ट किया गया है और ये डेवलपमेंट्स को स्टार्ट कर दिया गया है। वाली ये सारी कहानी जो हुई थी ये स्टार्ट हुई थी ट्विटर से दोस्तों। एक ट्वीट में डिजिटल एवेंजलिस्ट जो Salesforce.com के लिए काम करते हैं, जिनका नाम अफशार बताया गया है, इन्होंने मतलब ट्वीट किया था कि KTR साहब को टैग करते हुए, क्या इस तरीके के गार्डन्स जो मैड्रिड में बनाए गए हैं हैदराबाद में बना सकते हैं क्या। KTR साहब ने देखकर इसका बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया है और जो भी अर्बन डेवलपमेंट के चीफ होते हैं उनसे कांटेक्ट किया है और उनको भी टैग कर ये पूछा है, कैन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है क्या, यहाँ पर बनाया जा सकता है, एक्सप्लोर कीजिए, मालूम कीजिए और हमें बताइए। तो बस उनके जो चीफ थे उनका नाम अरविंद कुमार ऐसा था, तो उनसे ये बातचीत चल रही है।
तब HMDA वाले जब जो डिस्कस कर रहे थे उनको बेस्ट लोकेशंस जो एक सिटी में चाहिए, वो लोगों ने बताया है कि बेस्ट लोकेशन आपको संजीविया पार्क हो सकता है। तो इसी के अंदर शायद मेरे हिसाब से इसमें डेवलप हो जाएगा ये विंड पार्क। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि प्लांट, ये अकॉर्डिंग टू एक सर्वे भी देखा गया है कि प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में भी नहीं है तो कुछ प्लांट्स तो आप लगाएं, जैसे कि 10-15 प्लांट्स तो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मैं भी अभी प्लांट्स में ही बैठा हुआ हूँ। अपने घर को एक नेचर से रिलेट कर कर रखें जिसमें कि आपका स्ट्रेस लेवल, आप ज़्यादातर ये प्लांट जो चुने गए हैं वन और क्या कहते हैं उसको मॉस जो चुने गए हैं, एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से यानी कि टेक्सस A&M यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उनकी रिसर्च ये बताती है कि जो लोग प्लांट्स में अपना वक्त ज़्यादा बिताते हैं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, और जो भी एम्प्लॉइज इसमें होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए कि प्लांट्स के साथ अपना वक्त बिताए। दोस्तों ये प्लांट्स जो आप ये लगाए जा रहे हैं ये आपको स्ट्रेस लेवल कम कर देंगे, एंग्जाइटी आपकी कम कर देंगे, और आपके जो लंग्स की बीमारी जो होती हैं आपने कोरोना में भी देखा होगा कि वो तमाम चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए प्लांट्स के साथ अपना वक्त बिताइए दोस्तों। सो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, पसंद आ जाए दोस्तों तो आपके स्क्रीन के नीचे रेड कलर का बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा, मैं सब्सक्राइब हो जाऊँगा। अगर ग्रे हो गया तो बस सब्सक्राइब है, ग्रे होने पर फिर से उसको नहीं दबाना है बस, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिए, अपने ब्लेसिंग्स में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।